अभी लगभग इन लोगों का इसका वेट 30 किलो पे होगा, 30 से 35 किलो पे इसका वेट होगा। इसकी 29 से 30 हाइट में मान के चलता हूँ कि इस बकरी की होगी, कि थोड़ा ये उठान पे है, लंबा है। इसकी उसकी भी 28-29 हाइट होगी इस बकरे की। तो अभी ये बकरा है 25 से 30 किलो के बीच, और ये है 30 से 35 किलो के बीच ये वाला बकरा। तो ये देखिए किस तरह से इन बकरों को रखा जाता है। ये रखने वाला एरिया है और इस तरह से पैकिंग करके रखा जाता है, ठंड की वजह से, पूरा प्रोटेक्शन के लिए कि ठंड ना घुसे। पूरी टाट की बोरियां, प्लास्टिक की बोरियां सारी तरफ से ऊपर से नीचे तक की ये लगा दी जाती हैं और ताला लगा दिया जाता है। इसमें डायरेक्ट व्यू लेंगे कि रात भर से सोए हुए बकरे इस वक्त क्या रिएक्शन देंगे, देखते हैं। रैंडम रिएक्शन देखेंगे कि एक नए बंदे को देख कर वो कैसा रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ। अरे माशाल्लाह, मेरा रिएक्शन निकल गया इसको देख के यार। ओए, ये वही बकरे हैं जिन्हें हमने 6 महीने के देखा था। 6-6 महीने के बकरों की वीडियो ली थी। आज तकरीबन उन वीडियो को 4-5 महीने हो चुके हैं। इन दोनों बकरों ने 2-2 दांत कर लिए हैं लगभग। ये खस्सी करवा दिया है, ये अंडुल नहीं बकरा, और ये अभी भी अंडुल है। तो इस बकरे, हाँ, हमारी लैंग्वेज में नर बकरा ही है, हमारे इंदौर की लैंग्वेज में इसे नर कहते हैं। मैं इस बकरे को, जब मैंने इसकी लास्ट वीडियो बनाई थी, पहले मैं इस बकरे की बात कर लेता हूँ। तो इसका वज़न तकरीबन 30 किलो का वज़न था इसका, 30 से भी अंदर वज़न था इस बकरे का। तो आज मैं इनसे पूछना चाहूँगा, अच्छा कितने का हो गया होगा ये तकरीबन इसका वज़न? हाँ, 50 से 60 किलो का बिल्कुल बेशक हो गया होगा। जिस हिसाब से इसका सीने का भराव लग रहा है, आराम से 50 से 60 किलो के बीच का। हाँ, और आज ये सुबह से भूखा है, संडे का दिन था, चच्चा थोड़े बिजी थे, तो बता रहे हैं कि 4 बज चुकी है आज, इनको सुबह से खोला नहीं है। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था कि 30 किलो का बकरा लगभग 50-55 किलो का बकरा बन चुका है, और अभी ये हो चुका है साल भर का, ये बकरा हो चुका है हमारे पास। इसे हो चुके हैं लगभग 5 से 6 महीने हो चुके हैं कि अपने पास, 6 महीने से अपन रख रहे हैं इन्हें, है ना, 6 महीने के पाल बन चुके हैं। और अभी अगली बकरा ईद को लगभग 3 महीने हैं, 4 महीने बचे हैं ना, जून में है ना, 4 महीने, 6 महीने बचे हैं, 6 महीने अभी और बचे हैं बकरा ईद को। तो इंशाल्लाह बकरा ईद तक के ये जो बकरा है, आप इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे बकरा ईद की कि ये क्या इसको इसकी हालत करी है इसने। क्या झालर है माशाल्लाह, क्या उसकी रिंकल कितना शानदार है उसके गाल पे, मुंह पे जो शल आ रहा है, और उसके फर, और उसके जो गले की गला पट्टी है, माशाल्लाह बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार क्वालिटी। अरे गुलाबी बकरे को तोड़ रहा है ये, बकरे की जो खूबसूरती है ना, इसके जो कलर है व्हाइट पे जो वो लाल आ रहा है, आय हाय हाय, अभी इसको लाइट में ले आके इसकी वीडियो बनाएंगे अपन इंशाल्लाह, और दिखाएंगे कि क्या चीज़ है ये। फुल क्वालिटी बकरा है यार, खड़े सिंह पूरे एकदम, सिंह के सिक्के एकदम नुकीले हैं, और ये मालवा कान पे, और इसकी आंखें से मतलब मुझे शरारत आ रही है ना,
एकदम माशाल्लाह, बहुत बढ़िया क्वालिटी है यार। इस बकरे को जो भी देख रहा है प्लीज कमेंट करके इसकी बताइए कि कैसा लगा आपको ये बकरा। ये सिर्फ अभी इसने दो दांत लगाए हैं इस बकरे ने माशाल्लाह, और इसकी हाइट मेरे हिसाब से तकरीबन इसकी हाइट हो गई होगी 34-35 से ज़्यादा ही होगी, हाँ 36-38 इसकी हाइट हो गई होगी, और अभी 6 महीने में और उठान पकड़ेगा यह बकरा इंशाल्लाह। आपको पूरी मेजरमेंट के साथ इसकी हाइट और इसका वेट और पूरी तरीके से इसकी वीडियो बनाकर आपको बताई जाएगी इंशाल्लाह। बहुत ही क्वालिटी का बकरा है, नज़र से बचाए अल्लाह ताला, अल्लाह की कुदरत है माशाल्लाह। ये उसी के साथ वाला बकरा जो तब मेरे ख्याल से 20 से 25 किलो पर था, ये आज इसका वज़न कुछ मान लीजिए आप 35-40 किलो के से ऊपर ही होगा। ये फुल वाइट है, ब्लैक बाल है, इस पर ग्रे टाइप कुछ है, वाइट चमड़ी, गुलाबी चमड़ी पर ये बकरा। हाँ ये खस्सी करा चुके हैं इसकी, तो इन दोनों बकरों में से एक ये बकरा जो है खस्सी कराया है, ये बेचने के हिसाब से भी है। फिलहाल बेचने का कोई प्लान नहीं है, अगर किसी को पसंद आता है तो दे देंगे। तो क्या डिटेल है इसकी? दो दांत है अभी, ये दो दांत बकरा हो चुका है, 14-15 महीने का है, 14-15 महीने का ये बच्चा हो चुका है। और पिछली वीडियो में अपन इसका अगर वज़न देखेंगे तो 20-22 किलो का ये बकरा था, तो आज पिछली वीडियो मतलब 4 महीने पहले, तो अभी इसने मेरे हिसाब से जो इसने वज़न गेन किया है 6 महीने पहले, चार महीने पहले हुई थी वीडियो, हाँ तो जो भी तकरीबन 4-5 महीने पहले की वीडियो में ये 20-22 किलो का था, आज तकरीबन इसका 35-40 के बीच में इसका वज़न होगा अंदाजन। ठीक बोल रहा हूँ कि बच्चा मैं, है ना, 35-40 किलो इसका वज़न होगा। फुल वाइट और गुलाबी बकरा है, वाइट सिंह और वाइट खुर का, फॉर सेल है। जिस किसी को भी लगेगा डिस्क्रिप्शन में मैं अखिल चचा का नंबर दूंगा, आप फ़ोन करके जिसे चाहिए हो वही फ़ोन करें और बात कर लीजिए। अदर देन बकराईद के टाइम के लिए रखा है ये बकरा, अभी बकराईद को कुछ 4-5 महीने और हैं, तो 4-5-6 महीने कुछ हैं, तो तब तक इसका वज़न माशाल्लाह से जिस हिसाब से जिस फुर्ती से ये गेन कर रहा है मेरे ख्याल से 50-55 के ऊपर हो जाना चाहिए। और जिस हिसाब से इसकी देख रेख और रहन सहन रखते हैं हम लोग यहाँ पर बकरों का, जिस तरह से खिलाते हैं इन्हें, हाथों से पत्ती खिलाते हैं, देखिए एक एक पत्ती हाथों से खाते हैं, कुछ पत्ती हाथों से खाते हैं, दाना हाथों से खिलाना पड़ता है, कुछ ऐसा रख कर छोड़ देते हैं, अपने हिसाब से खाते रहते हैं, तो इनका ये रूटीन है। तो इस हिसाब से पलाई के बकरे हैं, इस हिसाब से इनकी पलाई होती है। तो ये बकरा फॉर सेल है, आपको इसकी डिटेल मैंने बता दी है। जिस किसी को भी लग रहा है कि ये बकरा आपके लिए पालने के लिए सही है तो आप ले सकते हैं, आप रब्ता कर सकते हैं अकिल भाई से, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिटेल आपको बता दी है और आप फोटो वीडियो में देख सकते हैं, और इससे ज़्यादा अगर आपको देखना है तो आप खुद आकर देख सकते हैं। आज से 6 महीने पहले की एक वीडियो मेरे YouTube चैनल पर आप देख लीजिए जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक डाल दूंगा। तब से अभी तक के इसमें जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, और तकरीबन इसकी हाइट हम लोग नापी तो नहीं है, अंदाजन मैं बता सकता हूँ 32-33 इसकी हाइट चली गई होगी, 32-33 इंच इसकी हाइट चली गई होगी। देसी बकरा है, मालवा नस्ल का खस्सी, फुल वाइट।
चलो आओ आओ आओ। ये भी फड़फड़ा रहा है गलने के लिए हैं। अब अखाड़ा हो गया। बहुत खतरनाक आता है यार, ये डर लग रही है इससे। धीरा आया कर भाई, धीरा। कॉलम बचा रही है मेरे को। नहीं नहीं बढ़ रही सही वीडियो बन रही है। अरे बहुत ही खतरनाक कुदरिया वो हालत। और क्या।